IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या डिफरेंसेस है? टेक्निकली दोनों सेम है, IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी में कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं क्या बॉडी पर? इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, और इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि IVF और नेचुरल प्रेगनेंसी में क्या अंतर होता है। तो अमूमन क्या होता है कि महीना के सेकेंड डे से, महावारी के सेकेंड डे से इस ओवरी में अंडे का विकास शुरू होता है, और अमूमन 12 से 14वें दिन जब ये अंडे मैच्योर हो जाते हैं, एग मैच्योर हो जाते हैं, तो ओवलेट कर जाते हैं, जिसको ओवलेशन बोलते हैं। अब किसी न किसी कारण से ये प्रक्रिया महिलाओं के शरीर में नहीं हो पा रहा है, चाहे वो प्रॉब्लम अंडे में हो, चाहे वो प्रॉब्लम शुक्राणु में हो या स्पर्म में हो, चाहे फेलोपियन ट्यूब में हो या यूट्रस में हो, तो किसी न किसी कारण से ये प्रक्रिया यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेते हैं। नेचुरल प्रेगनेंसी मैं नहीं बोलूँगा, बट ये असिस्टेड हम लोग IVF में असिस्ट कर रहे हैं, और एक बार आप कंसीव कर गए तो फिर नेचुरल प्रेगनेंसी और IVF में फिर ज़्यादा अंतर नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। NBC 24 के फिट है तो हिट है प्रोग्राम में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में एक खास डॉक्टर के साथ मौजूद हैं, जिनसे आज हम IVF के बारे में चर्चा करेंगे कि IVF आखिर है क्या। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दयानिधि, जिनसे हम IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम। और NBC के सभी दर्शकों को डॉक्टर दयानिधि का नमस्कार, और हमारे तरफ से ढेर सारी नए साल की ढेर सारी शुभकामना। सर, आज IVF के बारे में मैं आपसे चर्चा करनी चाहूँगी कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बेबी कंसीव नहीं कर पाती हैं, और उनको बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि IVF क्या होता है, टेस्ट ट्यूब क्या होता है। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या डिफरेंसेस हैं? टेक्निकली दोनों सेम है, IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी में कोई डिफरेंसेस नहीं है। IVF को हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इसी को, चूँकि जब इसकी शुरुआत हुई थी आज से 45 साल पहले 1978 में, तब जो भ्रूण का विकास हुआ था, जो बनाया गया था, वो एक टेस्ट ट्यूब में बनाया गया था, इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। दोनों सेम है। और हम बात करें कि जो IVF की प्रक्रिया है, ये अभी के समय में सबसे बेस्ट तकनीक है जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे उनके लिए, और अभी तक 1 करोड़ बच्चे पूरे विश्व में इस तकनीक के द्वारा आ चुके हैं। यानी ये समझें कि हर एक मिनट जितने भी बच्चे इस दुनिया में आते हैं, उसमें से 4 से 5 बच्चे IVF तकनीक के द्वारा आ रहे हैं। जी सर। सर, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं क्या बॉडी पर? इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, और इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि IVF और नेचुरल प्रेगनेंसी में क्या अंतर होता है। सर, IVF और नेचुरल प्रेगनेंसी में रियली क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है? सो नेचुरली आप सभी लोग जानते हैं कि नेचुरली जो प्रेगनेंसी होता है, उसमें जब भी महिलाओं का जब पीरियड शुरू होता है, और तो उसके हर एक पीरियड के सेकेंड डे से ओवरी में कुछ अंडे बनना शुरू होता है। अगर मैं इसको इस तरह के समझाऊँ तो ये जो महिलाओं का है, ये ओवरी है, और ये है फेलोपियन ट्यूब, और ये है उसका यूट्रस, जिसको बच्चेदानी भी बोलते हैं, और स्पर्म जो होता है वो मेल में होता है। तो अमूमन क्या होता है कि महीना के सेकेंड डे से, महावारी के सेकेंड डे से इस ओवरी में अंडे का विकास शुरू होता है, और अमूमन 12 से 14वें दिन जब ये अंडे मैच्योर हो जाते हैं, एग मैच्योर हो जाते हैं, तो ओवलेट कर जाते हैं, जिसको ओवलेशन बोलते हैं, और ये ट्यूब में आता है, फेलोपियन ट्यूब में। और इसी समय अगर पति पत्नी साथ में होते हैं, तो पति के स्पर्म बच्चेदानी होते हुए इस नली में पहुंचती है, जहां पे एग और स्पर्म दोनों मिल करके भ्रूण बनाते हैं, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं संतान की उत्पत्ति जो है वो नली में हो रही है, और ये 5वें से 6ठे दिन में बच्चेदानी में जाके चिपक जाता है, तो कंसीव हो जाता है। ये होता है नेचुरल कंसेप्शन। अब किसी न किसी कारण से ये प्रक्रिया महिलाओं के शरीर में नहीं हो पा रहा है, चाहे वो प्रॉब्लम अंडे में हो, चाहे वो प्रॉब्लम शुक्राणु में हो या स्पर्म में हो, चाहे फेलोपियन ट्यूब में हो या यूट्रस में हो, तो किसी न किसी कारण से ये प्रक्रिया यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेते हैं, जिसमें हम महिलाओं को पीरियड के सेकेंड डे से कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं, और उस इंजेक्शंस को लगाने के बाद
12 से 14 दिन बीच बीच में अल्ट्रासाउंड करते हुए जब अच्छे से एग मैच्योर हो जाते हैं तो हम उनको बेहोश करके ऑपरेशन थिएटर में एक कैथेटर एक नीडल के माध्यम से उनके अंडे को निकाल करके और उसको हम लैब में ट्रांसफ़र करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी लैब में, और उसी समय उनके हस्बैंड के सीमेन सैंपल को लेते हैं और दोनों को मिला करके हम उसके भ्रूण तैयार करते हैं और पाँचवें दिन हम महिलाओं के गर्भाशय में डाल देते हैं। चूँकि ये प्रक्रिया हम लैब में कर रहे हैं इसीलिए इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं, और एक बार आप कंसीव कर गए, जो भी महिलाएं कंसीव कर गईं, तो नेचुरल कंसेप्शन और IVF कंसेप्शन में कोई अंतर नहीं है। मतलब सरल शब्दों में समझें तो 9 महीने के प्रेगनेंसी में IVF में फर्स्ट 5 डेज का जो ड्यूरेशन है, फर्स्ट पहला 5 दिन वो हम लैब में कर रहे हैं, बाकी का प्रक्रिया जो है महिलाओं के शरीर में हो रहा है। सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि IVF भी एक तरह से नेचुरल प्रेगनेंसी ही है? IVF एक नेचुरल प्रेगनेंसी मैं नहीं बोलूँगा, बट ये असिस्टेड, हम लोग IVF में असिस्ट कर रहे हैं, और एक बार आप कंसीव कर गए तो फिर नेचुरल प्रेगनेंसी और IVF में फिर ज़्यादा अंतर नहीं है। सर IVF जो है वो महिलाओं को कब सजेस्ट किया जाता है और इसका ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है? IVF महिलाओं को सेशन का ये कोई नहीं है कि लास्ट ऑप्शन है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो किसी का भी अगर एज 23 साल से 50 साल के बीच है और वो किसी तरीके से कंसीव नहीं कर पा रही है, शादी के 1 साल हुए 2 साल हुए और वो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो अपने नज़दीकी जो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं उनसे मिलना है, उनसे सजेशन लेना है, और वो सिर्फ कुछ जांचें करेंगे, जिससे जांच में आ जाती हैं कि इस हस्बैंड और वाइफ दोनों का, और वो 4 चीज़ें देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। पहला चीज़ तो यही कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, किस में है, दूसरा उस प्रॉब्लम का इलाज क्या है, उस इलाज को करने से सफलता क्या होगा और सक्सेस रेट क्या है। तो मान के चलिए कि अभी भी 90% लोग यही समझते हैं कि अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो महिलाएं जिम्मेदार हैं, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ महिलाएं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का रिपोर्ट है कि महिलाएं और पुरुष समान रूप से निसंतानता के लिए जिम्मेदार हैं, और ये हमारा दायित्व बनता है, और आपके थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी हम इसका इलाज करवाते हैं तो दोनों का जाँच होना बहुत जरूरी है, मतलब महिला का भी और पुरुष एकदम, हस्बैंड वाइफ दोनों की जाँच बहुत जरूरी, एकदम एकदम, मतलब आप किसी महिला को इसके लिए नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते। महिला और पुरुष बराबर रूप से जिम्मेदार हैं। कुछ केसेस में 10% केसेस में दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, और 100 में से 10 लोग ऐसे होते हैं जिनमें सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं फिर भी वो कंसीव नहीं करते हैं, उसको नाम एक्सप्लेन्ड बोलते हैं या नोन रीजन बोलते हैं। बट हम यही बताएंगे कि अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, एक मेडिसिन है, कोई IVI है, IVF है, लेकिन IVF सबसे बेस्ट ऑप्शन माना गया है, सबसे लास्ट ऑप्शन नहीं माना गया है। सर अगर कोई महिला IVF लेती है तो क्या उन्हें अस्पताल में ही स्टे करना पड़ता है, हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ता है? नहीं, ये बिल्कुल डे केयर प्रोसेस है, और आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। बहुत लोगों को लगता है कि IVF मतलब हमको 9 महीने तक हॉस्पिटल में रुकना है, या उनको ये लगता है कि 9 महीने तक पटना में ही रुकना है, या 9 महीने तक बेड रेस्ट लेना है, या 9 महीने तक हमको वेस्टर्न टॉयलेट ही यूज करना है, इंडियन टॉयलेट यूज नहीं करना है, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये डे केयर प्रोसेस है, आपको जो 10-12 इंजेक्शंस लगते हैं वही इंजेक्शंस के लिए आपको हॉस्पिटल आधे घंटे के लिए आना है, इंजेक्शन लगाना है और आपको वापस घर चले जाना है, और जब आपके एग जिस दिन निकालने होंगे, एग निकाल करके आप शाम में फिर डिस्चार्ज हो जाएंगे, जिस दिन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होगा उसके बाद भी आप चले जाएंगे, और इसके बाद आप सीधे घर में जहाँ जिसका घर है वहाँ रहें, और हर एक मंथ आप चेकअप करवा सकते हैं। तो इसमें एडमिट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और एक बार आप कंसीव कर गए, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो आप में और एक IVF प्रेग्नेंट लेडी में और नेचुरल प्रेग्नेंट लेडी में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो सुना आपने, हमें डॉक्टर ने बताया कि अगर आप IVF ले रही हैं तो आपको अस्पताल में स्टे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल अ डे प्रोसेस है। सर एक सवाल और होगा मेरा आपसे कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि IVF में ट्विंस बेबी ज़्यादा होते हैं, तो क्या ये पहले से प्लान होते हैं या फिर कोई इसका? अमूमन क्या होता है कि चूंकि हम IVF प्रक्रिया कर रहे हैं, तो जो हमारे गाइडलाइन में भी है, सरकार के गाइडलाइन में, कि हम 2 इम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं मैक्सिमम, तो हम 2 इम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी महिलाओं में, और ऐसा देखा गया है कि 48% इंसिडेंट्स जो है वो ट्विंस का होता है और बाकी 52 में सिंगल होता है, और इसका सक्सेस रेट बेसिकली, देखिए मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि हर एक प्रक्रिया का सक्सेस तभी हो सकता है अगर वो करने वाली टीम जो है वो सबसे बेस्ट है, मतलब आपके डॉक्टर का एक्सपर्टीज बहुत मायने रखेगा सक्सेस के लिए, उसके अलावा कितना एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर है
उस हॉस्पिटल का वो मायने रखेगा। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं वो है आपके इम्ब्रोलॉजी लैब, क्योंकि आपके जो भ्रूण हैं उस लैब में बन रहे हैं, तो उस लैब का जो एडवांसमेंट है, वहाँ के इम्ब्रोलॉजिस्ट का जो स्किल है, उस सब मिला करके जो सक्सेस है 60-70% उनके लैब पे डिपेंड करता है, और जो हमेशा हम लोग इग्नोर करते हैं। तो हमेशा सही टीम का अगर आप इलाज करेंगे तो आप 80% तक आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं एक साइकिल में, फर्स्ट अटेम्प्ट में। और जो लोग एक अटेम्प्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, वो अगर आप दूसरा अटेम्प्ट लेते हैं तो मान लीजिए कि अगर आप दो बार IVF करवाए तो 95% तक चांसेस हैं कि आप कंसीव कर जाएंगे। और ट्रस्ट मी, ये नेचुरल कंसेप्शन का जो रेट है, अगर आप नेचुरली ट्राई करते हैं तो आपका 10% है, और IVF का सक्सेस रेट 80% है एक अटेम्प्ट में। यानी नेचुरल से ज़्यादा IVF का सक्सेस रेट डेफिनेटली ज़्यादा सक्सेस है। सर, अगर कोई महिला IVF करा रही है तो क्या उसके बाद ट्रैवल वो कर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बहुत सारे पेशेंट जो सिंगापुर से हैं, जो UK से हैं, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया और उसके बाद डिलीवरी उनका दूसरे कंट्री में करवाया। बहुत सारे पेशेंट हमारे मुंबई से आते हैं, बेंगलोर से, जो आपके जो वर्किंग वुमेन हैं, तो वो सारे वुमेन जो है वो आराम से ट्रैवलिंग करती हैं। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे पेशेंट बिहार के पेरीफेरी से आते हैं, IVF करवाया, अपने ट्रेन से घर जाती हैं या अपने पर्सनल व्हीकल से जाती हैं, ट्रैवलिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तमाम तो मेरे सवाल थे सर, अब ऐसी कोई जानकारी जो आप लोगों को देना चाहेंगे IVF से रिलेटेड? मैं यही बोलूँगा कि IVF या छोड़ दीजिए, निसंतानता अब एक अभिशाप नहीं है, आप ये मान के चलिए, और इसका वैज्ञानिक इलाज पॉसिबल है। और वैज्ञानिक इलाज मतलब मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि वैज्ञानिक इलाज का हमेशा जो होता है वो सक्सेस रेट प्रूवन होता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि IVF का सफलता है। और आप जो भी आप बाहर जो झोला छाप इलाज करते हैं, जादू टोना, ये सब चीज़ें अब बहुत पुरानी हो गई हैं, और हर एक लोगों को माँ बनने का अधिकार है, हर एक महिलाओं को माँ बनने का अधिकार है। और सबसे बड़ी बात जो हम लोगों के समाज में है कि अभी भी 90% लोग समझते हैं कि पता नहीं, उनको इस साइंटिफिक तकनीक पे भरोसा नहीं है, उनको अभी भी बाकी चीज़ों पे भरोसा है। तो NBC 24 के माध्यम से मैं सभी लोगों से बोलना चाहूँगा कि माँ बनना आपका अधिकार है, और इसके लिए जो बेस्ट साइंटिफिक तकनीक है उसको यूज करें। अगर कुछ भ्रांतियाँ हैं हमारे समाज में, कोई गलतफहमियाँ हैं, कुछ मिथ्स हैं, आप डॉक्टर से मिलें, उनसे बात करें, और आई एम 100% श्योर कि आपको सफलता मिलेगी। अगर आपकी उम्र 23 साल से 50 साल के बीच है तो भारत सरकार के अनुसार आपको माँ बनने का अधिकार है, और आप तकनीक का इस्तेमाल करके अपने घर में खुशी जरूर ला सकते हैं। सर, और कोई जानकारी जो आप देना चाहेंगे? जानकारी मैं वही बोला, जानकारी बहुत है, लेकिन जो मैंने आपको क्रिस में बताया वो ठीक है, बट अभी हम बाहर चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं, देखते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ज़रूर, तो फिर चलिए आज हम सर के पेशेंट से भी जानकारी लेंगे और उनके एक्सपीरियंस भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताएं कि सर का रिजल्ट, मतलब आज से 15 दिन पहले सर का प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया था, वो खून के जांच में हुआ था। तो ये 15 दिनों के बाद आज फर्स्ट टाइम आए हैं जहां पे हार्ट रेट देखा जाता है बच्चे का, तो आज 15 दिनों के बाद हार्ट रेट इनका आ गया है। तो एक बार ज़ोरदार तालियां सर के लिए कि हार्ट रेट आया है शादी के 12 साल के बाद। और ये 12 साल इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि सर का IVF कहीं और पे 4 बार हो चुका था, कहीं बाहर 4 बार ये फेल हो चुका था इनका साइकिल। यहाँ फर्स्ट टाइम ये जब आए थे तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे, बहुत ही ज़्यादा, एक आप समझ सकते हैं कि किसी का 12 साल शादी का तो है ही, IVF भी जब फेल होता है तो क्या वो सोचते हैं। तो सर आपको यहाँ के बाहर में भी आपने देखा और यहाँ में क्या अंतर लगा? बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है सर। देखिए IVF क्या है तो हम जानते थे, बट वो नहीं जो हमारे लास्ट टाइम करवाए थे, नाम लेना नहीं चाहते, नाम लेना ज़रूरी नहीं है बिल्कुल। तो 4 टाइम वहाँ करवाया और कुछ भी नहीं हुआ, और लास्ट में वो बोले कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना कोशिश किया, ठीक है सर। फिर बोले, वो ये भी बोले कि आपको अब ये जो सरोगेसी होता है वो आपको प्लान करना पड़ेगा, जो सरोगेसी का, हाँ उसका प्रोसीड करना पड़ेगा आपके लिए। मैं बोला सर मेरा बजट नहीं है और ना मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने लगभग 5-6 साल गैप किया, ये करवाया था 2014 में जी। तो फिर ये जब इंदिरा IVF ओपनिंग हुई थी पहले वाला ब्रांच में, उस दिन मैं ओपनिंग के दिन गया था वहाँ जी, लेकिन मेरा माइंड वहाँ सेटअप नहीं हुआ। अच्छा। और मैं रिटर्न हो गया, मैं रहने वाला पटना बिहार जगदेवपथ का ही, नियर बाई 2 मिनट का मेरा रास्ता है घर पे। तो फिर दोस्तों के हिसाब से पता चला, कलीग मिला मेरा यहीं से करवाए हुए हैं,
तो बोले वहाँ पे जाओ। फिर से मैं यहाँ पे आया और सभी कुछ अच्छा से हुआ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसमें क्या है, मुझे लगता है कि IVF एक सिंपल ट्रीटमेंट है। पहले ही थोड़ा अमाउंट कुछ है, बट मुझे लगता है उसके हिसाब से जो संतान चाहिए उसके हिसाब से बहुत ही कम है। और यहाँ का मैनेजमेंट और जो स्टाफ है, टीम वर्क बहुत ही बेहतरीन है। आपको सभी चीज़ों का सुविधा मिलती है, अच्छी तरह से समझाया जाता है। और इसके हिसाब मेरा जो रिजल्ट आया बहुत ही अच्छा आया और मैं बहुत खुश हूँ। और सर को, इंदिरा IVF को थैंक कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर, आपने इतनी अच्छी बात बताई। आपने यही बताया कि IVF का प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है, इसलिए आपको ये ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग अभी भी समझते हैं कि IVF पता नहीं क्या होगा, मेरा ऑपरेशन होगा, काट छांट होगा। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि IVF मतलब बच्चे नॉर्मल या स्वस्थ होंगे, नहीं पता। और जो एक चीज़ समझती है कि IVF मतलब दूसरे के बच्चे होंगे, ये कॉमन है, मैं आपको बता रहा हूँ। सब लोग समझते रहे इससे अच्छा तो मैं अडॉप्शन करवा लूँगा, IVF तो कुछ नहीं होता है। तो ये सब कुछ गलत है। इनके स्पर्म इनके एग बच्चेदानी सब इनका है। हमने सिर्फ क्या किया है कि जो प्रक्रिया इनके शरीर में अमूमन नहीं हो पा रही थी नेचुरल तरीके से, उनको हमने लैब में किया, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया, सक्सेस हो गया। और आज के बाद जब सक्सेस हुआ तो अब इनमें और एक IVF प्रेगनेंट लेडी या नॉर्मल प्रेगनेंट लेडी में कोई अंतर नहीं है। सारा काम ये खुद कर सकती हैं, बेड रेस्ट भी जो बोला जाता है कुछ नहीं। आप आना जाना यहाँ से कर रहे हैं कि बेड रेस्ट करती हैं, मैं खाना पीना घर में बनाती हैं, नॉर्मली आप खाना पीना घूमना फिरना सब कुछ करती हैं, खाना पीना सब कर सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी प्रक्रिया है। खाना पीना सब कुछ नेचुरली खाती होंगी, घर का खाना खाती होंगी। तो ये सब चीज़ें मिथ्स हैं, इसको दूर करना आप लोगों के हाथ में भी है, समाज के हाथ में है। क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का नहीं है, इनके परिवार का है और इसके बाद समाज का है। क्योंकि ये सामाजिक प्रॉब्लम है, ये पारिवारिक प्रॉब्लम से ज़्यादा सामाजिक प्रॉब्लम है। और लोगों को प्रॉब्लम सिर्फ अपने से नहीं होता है, समाज के लोग इतना ताना मारेंगे बोलेंगे, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और महिलाओं को खूब सुनना पड़ता है। तो सर, जो नए लोग हैं जो कि आज पहली बार आए हैं, क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे, क्या उनको बोलना चाहेंगे? मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग निश्चिंत रहिए, आराम से रहिए, पहले माइंड को सेटअप कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, टेंशन मत लीजिए। यहाँ आए हैं तो सक्सेस होना ही होना है। मेरा फर्स्ट टाइम में हुआ है, आप लोग भी शायद फर्स्ट टाइम में हो जाए, कभी खुदा ना खास्ते कभी आगे पीछे होता है कुछ इशू के कारण, लेकिन वो भी आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। सेकेंड थर्ड आपको होना ही होना है, ये चीज़ है। और होने के बाद भी आराम से रहिए, टेंशन नहीं लेना है मेरा क्या, और अपना आप काम कीजिए बस। तो सर के शादी के 5 साल हो गए हैं, आप यहाँ पे कब आए थे? 6 महीने पहले आए थे, 1 महीना के बाद फिर प्रक्रिया स्टार्ट कर। अच्छा, तो अभी आपका प्रक्रिया क्या चल रहा है? ये हमारा चौथा महीना है। तो सर और मैम का 4 महीने का प्रेगनेंसी, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और आप अभी कटिहार से आते जाते कि हिंदू हो? नहीं, कटिहार से। तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल है कि घर का ध्यान है इनका। और ये हर एक लोग का सपना होता है कि ट्विट्स हो, बहुत लोग हमारे पास आके बोलते हैं कि ट्विट्स होना चाहिए, लेकिन वो ऊपर वाले का मर्जी क्या होना है। तो सर, आपने तमाम जानकारियाँ पेशेंट के साथ और लोगों के साथ शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। NBC 24 के सभी दर्शकों को अगेन मैं बोलता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही चाहता हूँ कि NBC 24 के माध्यम से इसके इस निसंतानता के बारे में जो एक अवेयरनेस फैलना चाहिए वो आप फैला रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर। थैंक यू। तो IVF के बारे में तमाम जानकारी हमने डॉक्टर दयानिधि से ली है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इनसे पूछे, इन्होंने बहुत आसान शब्दों में आपको जवाब दिया है। तो अब IVF को लेकर कोई भी कंफ्यूजन अपने मन में ना रखें, और अगर आपके साथ भी ये दिक्कत हो रही है तो एक बार ज़रूर यहाँ विजिट करें। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे मेरे साथ NBC 24 पर।